जेल में फंस गए के पाठक। विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, पाठक पर अब होगी बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षकों को गाली और अपशब्द बोलने के वायरल वीडियो पर आज विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विपक्ष को शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाने को कहा, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर लगातार बीच में टोका टोकी करते रहा। इस बीच सदन में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले ही विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में यही मुद्दा उठाया गया था। वहां भी कई सदस्य वीडियो को सदन में चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन यह संसदीय परंपरा के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि परिषद में सभापति ने जांच के लिए टीम गठित की है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री के जवाब से अलग विपक्ष जोरदार हंगामा करने लगा। विपक्षी सदस्यों ने आसन के सामने आकर नीतीश कुमार हाय 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 के नारे लगाए। साथ ही शिक्षा मंत्री शर्म करो के नारे भी काफी देर तक लगते रहे। वहीं विपक्षी सदस्यों को बार बार आसन की ओर से अपनी जगह पर बैठ जाने का निर्देश दिया गया। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कहा कि उच्च सदन की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर इस पर चर्चा होगी। हालांकि सदन में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगते रहे, शिक्षा मंत्री शर्म करो की भी नारे लगते रहे। इसलिए प्रश्नोत्तर काल बाधित मत करिए, अपने स्थान पे बैठिए, शून्य काल में अपनी बात कहिएगा और जो विषय आप उठा रहे हैं माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है, आप पहले जाइए तब बोलवाएंगे उनको। अपने स्थान पे बैठिएगा तब माननीय मंत्री बोलेंगे। पहले अपने स्थान पे जाइए, उसके बाद बात होगी। पहले अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए पहले, अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मान जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठिएगा तब बोलेंगे, बैठिएगा तब बोलेंगे, बैठिए बैठिए चंद्रशेखर जी, शकील साहब बैठिए। महोदय मैं जानना महोदय, हमारे विपक्ष के साथी एक 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 के बाद एक मुद्दा उठाते जा रहे हैं। अच्छा, अरे सुन लीजिए ना, सुनिए नहीं, पहले जवाब सुनिए, पूरी बात सुनिए। और सभी की दिशा एक ही होती है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो सुना और समझा, क्योंकि ये लोग जब बोलते हैं तो कितने व्यक्ति एक साथ कितने माननीय सदस्य बोलते हैं तो पूरी बात स्पष्टता से सुनी नहीं जाती, लेकिन हमने जो सुना शायद किसी वीडियो या टेप की बात ये लोग बोल रहे थे, कुछ गाली की बात कर रहे थे, कुछ गाली की बात कर रहे थे। महोदय, कल ये मुद्दा उस सदन में उच्च सदन में भी उठा था और हमने उसमें भी कहा था कि हम लोगों की सरकार के द्वारा जो इजाजत है किसी अधिकारी को, सामान्य नागरिक को भी गालियां देने का अधिकार नहीं है, तो शिक्षक या माननीय विधायक को कोई अधिकारी कैसे गाली दे सकता है? अगर किसी ने दिया है महोदय, जो ये लोग यहां तो कह रहे हैं, वहां तो एक पेन ड्राइव में भी बात दिखाई गई थी। नहीं, कोई अनुमति नहीं वीडियो दिखाने की महोदय, कोई अनुमति नहीं महोदय, लेकिन परंपरा की शुरुआत मत करिए। लेकिन इससे पहले कि हम वो बात पूरा करें, हम साथी डॉक्टर चंद्रशेखर जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, मोबाइल में कोई वीडियो बिना अध्यक्ष की इजाजत के सदन में नहीं ऐसे उसमें भी प्रेस गैलरी के तरफ देख के दिखाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि कोई अधिकारी ने, अगर जो ये लोग कह रहे हैं मेरे पास भी है, उस सदन में हमने सरकार की तरफ से भी कह के आसन को ही अधिकृत किया है कि आप वहाँ टेप देख लें, वहाँ तो चूंकि सब कंप्यूटराइज्ड है तो वहाँ पे सदस्य उस टेप को चलाने की बात कर रहे थे। हालांकि हमने महोदय इस पर घोर आपत्ति दर्ज की
क्योंकि अगर सदस्य अपने कथन के पक्ष में वीडियो क्लिपिंग या कोई डिस्प्ले दिखाना चाहेंगे तब तो एक एक प्रश्न में एक एक वीडियो चलने लगेगा, सब बना सकता है अपने समस्या का वीडियो। इसलिए हमने उसको वहाँ पर आपत्ति की और आसन ने भी उस हामी भरी कि नहीं, ये उचित परंपरा नहीं होगी, ये नई परंपरा अच्छी बात जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके लिए नहीं होगी। मैं फिर से सदन को आश्वस्त करता हूँ कि उच्च सदन के सभापति के को वो टेप उपलब्ध है और उस सदन से सरकार की तरफ से भी हमने उनको अधिकृत किया है कि आप स्वयं टेप देख ले, उसमें क्या आपत्तिजनक है, आपकी जो अनुशंसा होगी सरकार मानेगी। चलिए धन्यवाद। बता दें इसके पहले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने के पाठक के उस वीडियो को मोबाइल के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। साथ ही राजद कांग्रेस के कई विधायक खड़े होकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करने लगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और पूर्व शिक्षा मंत्री को नियम का पाठ पढ़ा दिया। सरकार की तरफ से उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूर्व शिक्षा मंत्री को नियम और कानून का पाठ पढ़ाया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद्रशेखर से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, पहले मोबाइल का वीडियो बिना अध्यक्ष की इजाजत के नहीं दिखाया जाता, वह भी प्रेस गैलरी की तरफ देख कर आप यह सब वीडियो दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक अधिकारी द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने का आरोप है, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी आम आदमी के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। शिक्षक और विधायकों की बात ही छोड़ दीजिए, हमने विधान परिषद में कहा था और आसन से आग्रह किया था कि आप टेप खुद देख लें। उच्च सदन के सभापति को वह टेप उपलब्ध करा दिया गया है, सरकार की तरफ से उनको अधिकृत भी कर दिया गया है कि आप स्वयं उसको देख लें और आपकी जो अनुशंसा होगी सरकार उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष की तरफ से सरकार पर इस तरह का जब लगातार दबाव बनाया जाएगा तो मजबूरन के पाठक पर सरकार पर बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले को लेकर के पाठक पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।